सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा में एक वहशी ने 16 साल की नाबालिग लड़की पर एसिड अटैक कर दिया। इस हमले में लड़की गंभीर रूप से झुलस गई। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में तेजाब का कुछ हिस्सा पीड़िता की मां पर भी जा गिरा, जिससे वो भी मामूली रूप से झुलस गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपी पीड़ित की बहन का देवर है और शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर उसने नाबालिग पर एसिड अटैक कर दिया। लुधियाना के श्री रघुनाथ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही इस नाबालिग को एक शैतान ने ऐसे जख्म दिए जिसने इस मासूम की जिंदगी को नरक से बदतर कर दिया। ये मासूम जिंदगी की जंग जीत भी जाएगी तो उम्र भर ये जख्म उसको टीस देते रहेंगे। कहने को ये वहशी इस नाबालिग से प्यार करता था और इससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब लड़की और परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया तो इस मासूम को सजा के तौर पर इस वहशी ने तेजाब से नहला दिया। रात को करीब 12 बजे घर में घुसकर हुए इस तेजाब के हमले में पीड़ित लड़की की मां भी तेजाब से झुलस गई। और किसी ने हमें मां बेटी पे डाला, मां बेटी बेटी इधर को सोई रहा है, हमारे पे भी पड़ गया। बेटी उठ के चिल्लाई, हाय मम्मी मनोज मेरे पे तेजाब डाल दिया। पीड़ित की मां ने बताया कि रिश्ते में आरोपी इस लड़की की बहन का देवर है और एक तरफा प्यार में लड़की को परेशान करता रहता था। लड़का बार बार लड़की से शादी करने की जिद भी करता था। इनकार करने पर उसने पहले भी तेजाब फेंकने की धमकी दी थी। मेरी लड़की से जबरदस्ती, बड़ी बेटी का देवर था तो वो जबरदस्ती मेरी बेटी से कहता हम प्यार करी थी, जबरदस्ती मेरी बेटी को स्कूल जाती रहा तब भी छेड़ता रहा। घर में मैं 9 बजे की निकली तो 3 बजे आती रहा तब बेटी आ जाती रहा, उसको फिर जबरदस्ती घुस के घर में छेड़ना मारना पीटना डांटना धमकियाना। ये तेजाब सर्जी डाला मेरी बेटी के ऊपर, कहता अगर शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे ऊपर तेजाब डाल दूंगी। पीड़ित लड़की अभी महज 5वीं क्लास में पढ़ती है, लेकिन आरोपी के अंदर उससे शादी करने का जुनून था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी भी शादी से इनकार करने पर तेजाब डालने की पुष्टि कर रहे हैं। मनोज कुमार उर्फ मनीष है, यहाँ बड़ा प्रॉब्लम वह शादी हुई जी साली आर चलता सगा, इन्हें उन्होंने शादी लिए प्रपोज किया पर लड़की जो घर मुकर गए। इन्हें गुस्से में आके 26-27-18 की रात दरमियान की रात में इन्हें लड़की से तेजाब पाता। लड़की इस वे रघुनाथ हस्पताल फिरोजपुर रोड से एडमिट आ, अंडर ट्रीटमेंट आ। जी लड़की 25-30% जी तेजाब न जल चुकी है, ये कल रेस्ट पाई असं अज यदा रिमांड हासिल करके जी अगली बनती कार्रवाई करा। पीड़ित लड़की का परिवार अब अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। छोटी सी उम्र में एक मासूम की जिंदगी तबाह करने वाले इस वहशी को उसके किए की सख्त से सख्त सजा मिले, तभी इस मां के कलेजे में ठंडक पड़ेगी। हम ये इंसाफ चाहते हैं ना, कुछ नहीं चाहते, हमें इंसाफ चाहिए हमारी बेटी को, हमें वो कुछ नहीं चाहिए। सारी उम्र मैंने सुलह नहीं करनी उसकी। क्या घर में घुसकर जो तेजाब डाला? हाँ जी, घर में घुसकर जो तेजाब डाला, मैं इंसाफ चाहती हूँ। लुधियाना में हुए इस तेजाब कांड ने एक बार फिर से परिवार के अंदर लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क पर चलने वाले वहशियों पर तो पुलिस काबू कर सकती है, लेकिन घर के अंदर कोई रिश्तेदार अगर इस तरह की वारदात को अंजाम देगा तो इसे रोकने के लिए अपने आसपास मौजूद वहशियों और उनके इरादों पर लड़कियों और परिजनों को ही नजर रखनी पड़ेगी। राजेंद्र अरोड़ा, MHO न्यूज, लुधियाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।